guess like देखिए हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का और खुशी का वातावरण है। 4 तारीख के दिन देश के परिणाम आने वाले हैं। आदरणीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्सव का माहौल बना हुआ है, इसलिए आज से ही हम मिठाई बनाने जा रहे हैं ताकि कल जनता को मिठाई खिलाई जा सके। और मेरा पूर्ण विश्वास है, जबलपुर के चुनाव के बाद मैं कई राज्यों के चुनाव पर गया, लेकिन जिस तरह का माहौल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, कमल के फूल के लिए है, और जो भव्य राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है, इसलिए 400 पार का जो हमारा नारा है वहां हम पहुंचने वाले हैं। आज से ही लड्डू बनाना शुरू किया है ताकि कल जनता को लड्डू खिलाए जा सके। बूंदी के लड्डू बन रहे हैं, मगज के लड्डू बन रहे हैं, साथ ही कलाकंद खिलाएंगे, गरम गरम जलेबी और साथ में रुआबजा भी जनता को खिलाया जाएगा। उसी उत्सव को लेकर आज से हम उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस तैयारी में जुटे हुए हैं। केवल आप ही हलवाई बने हैं को और भी लोग हलवाई बने? आप देख रहे होंगे हमारे सब कार्यकर्ता, ये हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, ये मंडल के महामंत्री हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर, ये युवा मोर्चे के साथी हैं, ये सारे लोग मिलकर आज मिष्ठान बना रहे हैं और उत्सव के साथ कल हम इस अभियान को करने वाले हैं। कल मंगलवार है, हनुमान जी महाराज का दिन है, उनके श्री चरणों पर लड्डू चढ़ेंगे और जनता को बांटे जाएंगे। अभिलाष पांडे हलवाई बने हैं, मोदी मिठाई बना रहे हैं और भी लोग हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जो मिठाई बन रही है, इस मिठाई का अपने आप में एक अद्भुत महत्व है, क्योंकि ये कल बांटी जाएगी और ये मोदी मिठाई है, ये मोदी जी की मिठाई है जो जनता को बांटी जाने वाली है, इसीलिए मोदी मिठाई के नाम से आज उत्तर मध्य विधानसभा में ये मिठाई बनाई जा रही है।